हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे वेक्टर एटम मॉडल। पर वो मॉडल पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होने चाहिए, स्पेस क्वांटाइजेशन और दूसरा है वेक्टर एटम मॉडल में जो क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। तो पहली वीडियो में हम पढ़ लेते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ने के लिए हमने क्या किया है कि एक लेट अस कंसिडर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप इस ऑर्बिट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं, जहाँ पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड अभी जेड डायरेक्शन में है, अगर आपने इस ऑर्बिट को मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया तो क्या होगा, ये ऑर्बिट इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रेसस करने लगेगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये ऑर्बिट ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये क्या करेगा, ऑर्बिट इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रेसस करना शुरू कर देगा। जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एल से, ये क्या है, आपके ऑर्बिट की ओरिएंटेशन को बता रहा है। एल, एल इज हियर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बता रहा है, ये ऑर्बिट की ओरिएंटेशन को बता रहा है। अगर ये आपका इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये इस एंगल के साथ एक कोण बनाता है, यानी कि ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। इस प्रिसिशन को हम क्या बोलते हैं, लार्मर प्रिसिशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एल जेड को अगर आप डिफाइन करेंगे कि इसका यहाँ पे कितना कंपोनेंट आता है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एल जेड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एल कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा को कैसे डिफाइन किया हमने, कोस थीटा इक्वल टू एल जेड बाय एल। हमें पता है क्वांटम मैकेनिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल एंड इट्स जेड कंपोनेंट एल जेड आर क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू रिलेशन। जब हम बोर पोस्टुलेट में पढ़ते हैं कि जो आपका वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, जिनका और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो, या फिर कहें कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो एल की हम बात करते हैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से एल का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट। एच कट को आप क्या लिख सकते हैं, एच बाई टू पाई। सिमिलर वे से एल जेड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एम एल एच कट। अगेन एच कट को हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई टू पाई। यहाँ पे आपका एल जेड जो है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि एल जेड के किसको बता रहा है, दिस एम एल इज प्रोजेक्शन ऑफ एल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका एल क्वांटाइज्ड है तो उसकी प्रोजेक्शन भी क्वांटाइज्ड होगी, इसलिए हमने एल जेड को भी क्या लिखा है, एम एल एच कट। ठीक है, ये एल और एल जेड की दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, एम एल बाय अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन। जैसे कि हमें पता है एम एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू प्लस माइनस एल, या फिर हम कहें माइनस एल से प्लस एल। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर एल के लिए टू एल प्लस वन स्ट्रिक्ट ओरिएंटेशन पॉसिबल होगी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर आपकी किसी भी पर्टिकुलर एल के लिए एक सिंगल एल वैल्यू है तो ये टोटल कितनी वैल्यू बन रही है, टू एल प्लस वन, यानी कि इतनी इस ऑर्बिट की ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यानी कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे ओरिएंटेटेड हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन यहाँ पे पॉसिबल होंगी, कितने, टू एल प्लस वन। ठीक है, दिस क्वांटाइजेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर एल इज इक्वल टू टू, तो एल टू के लिए एम एल की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई हमारी, टू वन जीरो माइनस वन एंड माइनस टू। यहाँ से निकाल लेते हैं कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, एल टू है तो ये टर्म क्या आ जाएगी, एल इंटू एल प्लस वन इज अंडर रूट टू इंटू थ्री अंडर रूट सिक्स। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, इसके लिए टू बाय रूट सिक्स, इसके लिए वन बाय रूट सिक्स, दिस इज ज़ीरो माइनस वन बाय रूट सिक्स एंड माइनस टू बाय रूट सिक्स। ठीक है, अगर थीटा निकालना है तो नियर अबाउट ये वैल्यू हमें देती है 35 डिग्री, दिस इज 66 डिग्री
एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 114 डिग्री एंड दिस इज़ 145 डिग्री। अगर आप इस ओरिएंटेशन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विच इज जेड डायरेक्शन, ये हमारा हो गया। वैन यूर एल इज टू, एम एल टू ले लेते हैं, एम एल टू ले लिया तो थीटा कितना बना रहा है 35 डिग्री, तो पहला रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, दिस इज एल और यहाँ पे एम एल कितना है 2 है, इसके कोरस्पोंडिंग ये एंगल कितना आ गया थीटा इज 35 डिग्री, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे कंपोनेंट एल जेड आएगा, एल जेड क्या होता है हमारा, एल जेड इज एम एल एच कर, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 2 एच कर, ठीक है। नेक्स्ट इफ यूर एल इज 2 एंड एम एल इज 1 तो एंगल कितना बनता है 66 डिग्री, तो एल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एम एल इक्वल टू 1 और ये एंगल हमारा आ गया 66 डिग्री, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल जेड कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा एम एल एच कट यानी कि एच कट आएगा। अगेन नेक्स्ट हमारा क्या है, एम एल इक्वल टू 0, 4 एल इक्वल टू 2, तो एम एल 0 के लिए एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, दिस इज़ 4 एम एल इक्वल टू 0 यानी ये एंगल हमारा आ गया 90 डिग्री, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका एल जेड आ रहा है वो क्या आएगा एम एल एच कट यानी कि 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा एंगल है 4 एम एल इक्वल टू -1 और जो ये एंगल हमारा बनता है वो कितना बनता है 114 डिग्री, इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारा आएगा वो आएगा एम एल एच कट यानी कि -1 एच कट। नेक्स्ट 4 एम एल इक्वल टू -2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा यहाँ तक, सॉरी ये नहीं आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 145 डिग्री और यहाँ पे एल जेड कम्पोनेंट क्या बनेगा -2 एच कर, यानी एल टू के लिए सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्या होगी ऑर्बिट, ऑर्बिट आपकी ये एम एल को बता रहा है, ऑर्बिट की कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हुई 1 2 3 4 5, ठीक है, सिर्फ L2 के लिए सिर्फ 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यानी आपका ऑर्बिट की ओरिएंटेशन इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती, इनके बीच में नहीं हो सकती, इनके बीच में नहीं हो सकती, इनके यानी सिर्फ यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती है और यहाँ हो सकती है, यानी कि सिर्फ 2L+1 ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है, यानी आपका जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है क्वांटाइज्ड होती है। थैंक यू।